उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के फरीबल में 26 असम राइफल द्वारा आयोजित वॉलीबॉल टूर्नामेंट का समापन हो गया। टूर्नामेंट 28 अक्टूबर को शुरू हुआ था, जिसमें 8 गांवों की 8 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल मुकाबला केहेनुसा और वाटलाब ए के बीच खेला गया, जिसे केहेनुसा ने जीत लिया। सेना स्थानीय आबादी के लिए क्षेत्र में खेलों को बढ़ावा देने और भविष्य में खेल आयोजित करती रहेगी। जम्मू में ट्रैफिक पुलिस ने तालाब तिलों में नाका लगाकर लोगों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जागरूक किया। ट्रैफिक विभाग दो पहिया वाहन चालकों को लगातार जागरूक कर रहा है कि बिना हेलमेट के वाहन ना चलाएं। वहीं साथ में बैठे पीछे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनाना अनिवार्य है। जो इसका उल्लंघन करते पाया गया, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं चार पहिये वाहन चलाने वालों को भी सामने बैठे दोनों व्यक्ति को सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य है। जिला पुंछ के मेंढर तहसील के भाटा दूरिया के घने जंगलों में सुरक्षा बलों का आतंक पर प्रहार जारी है। भाटा दूरिया के इन घने जंगलों में भले ही जारी तलाशी अभियान में सुरक्षा बलों को इतनी सफलता नहीं मिली है, लेकिन फिर भी सुरक्षा बल हर कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। हालांकि जंगल के बीचों बीच स्थित बड़ी बड़ी चट्टानें और खाई सुरक्षा बलों के आतंकवादी विरोधी अभियान में बाधा साबित हो रही है, लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा बलों को आतंकियों के मददगारों को पकड़ने में लगातार सफलता मिल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हाल ही में आतंकवादियों के मददगार करने वाले एक और आतंकी मददगार को पकड़ा गया है। उसकी पहचान यासिर के रूप में की गई है। आतंकियों का मददगार यासिर सीमा पार पाकिस्तान बैठे लश्करे तैयबा के हैंडलर से लगातार संपर्क में था। पुलिस पकड़े गए यासिर से कड़ी पूछताछ कर रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों को बांटने और उन्हें शक्तिहीन बनाने की नई रणनीति को नई दिल्ली बीजेपी सरकार बढ़ावा दे रही है, ये चिंता का विषय है। ये बात पीडीपी मामलों की समिति की पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के आवास पर आयोजित बैठक में कही गई। उन्होंने कहा कि लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना धर्म, सांप्रदायिक और जातीयता की भाजपा का एकमात्र एजेंडा है। जम्मू में जेएनके स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, जो स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ एफिलिएटेड है, उन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग की। इस नई शिक्षा नीति में कई त्रुटियां हैं। वहीं उन्होंने बच्चों के क्लासरूम टीचिंग शुरू करने व स्कूलों को खोलने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम को बंद कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। उन्होंने मांग की कि सालों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में रिक्त पड़े खाली पद जल्द से जल्द भरे जाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दौरा समाप्त हुए लगभग 8 दिन बीत चुके हैं। दौरे का असर जम्मू कश्मीर के समूचे सुरक्षा और राजनीतिक परिदृश्य पर नजर आने लगा है। इस दौरे के बाद कश्मीर घाटी के राजनीतिक हलकों में एक बात स्पष्ट हो गई है कि केंद्र सरकार अब कश्मीर मुद्दे पर किसी भी स्तर पर अलगाववाद या पाकिस्तान समर्थक राजनीति के लिए जमीन देने को राजी नहीं है। कश्मीर का एजेंडा दिल्ली तय करेगी, स्थानीय राजनीतिक दल नहीं। और उनकी भूमिका लोकतंत्र व राष्ट्रवाद को मजबूत बनाते हुए विकास को गति देने तक सीमित रहेगी। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने अपने कार्यकर्ताओं और अनिल शर्मा की अगुवाई में अपने मुख्यालय में मीडिया कर्मियों के लिए दिवाली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र सिंह राणा मुख्य अतिथि थे। इस दौरान एक रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। कुपवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की। इस बीच कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की गई। पुलिस और सेना की संयुक्त कार्रवाई में आतंकी मददगारों के घर से हथियार बरामद किए गए हैं। इस मामले में जांच जारी है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि कुपवाड़ा निवासी आतंकी मददगारों के घर से 2 AK-47 राइफल, 2 AK-47 मैगजीन, 208 राउंड और 4 पिस्टल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पुलिस का गठन कर दिया गया है। जेएनके लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने सैदा कदल, नगीन, शहदाद बाग, हबक
और सदर बल के क्षेत्रों में कई अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। सैदाकदल में एक गैरकानूनी तौर पर बनाई गई दुकान को ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण अभियान के दौरान बदमाशों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन एनफोर्समेंट विंग द्वारा कब्जे वाली जमीनों को वापस बरामद कर लिया गया। साथ ही उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है।